हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम चल पड़े थे घूमने। घूमने कहाँ जाते वो आप वेट करते रहो और देखते रहो कि हम कहाँ जा रहे हैं। आगे आके आप देखते रहो हम कहाँ जाने वाले। हम जाने वाले थे कियान, मैं, मम्मी, पापा, हम पांच लोग निकल पड़े थे। और जो लोग तो मतलब इधर चलते हैं तो उन्हें तो पता होगा कि हम कहाँ जाते हैं, उन्हें तो आइडिया हो गया होगा। और हम जा रहे थे ऋषिकेश, बुआ के घर। मतलब ऋषि कुछ कुछ काम था हमारा, तो हम उनके घर जाते रास्ते में। और फिर जा रहे थे आराम से, और साथ में हम वेदर का मज़ा लेते जा रहे थे। इतना सुंदर वेदर पूछो मत। मतलब आज गर्मी भी नहीं थी, बारिश हुई थी रात को, तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब कहीं तो मुझे लग रहा था सुबह भी बारिश हो रही थी। और हम ऋषिकेश पहुँच चुके थे और देखो इतना सुंदर लगता। इससे पहले मैं एक बार यहाँ पहले आ चुकी हूँ, बहुत पहले आई थी, मतलब एक साल पहले। और हम मैंने कहा ना कि हम बुआ के घर जाते और साथ में हमारा कुछ ज़रूरी काम भी रह गया था। और ये वेदर इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता। और बुआ के घर पहुँचते ही बुआ का पोता और उनकी एक पोती है साथ में, ये उनकी पोती है, तो ये रहा उसका रूम। मुझे उसका रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं उससे पूछी थी किसने बनवाया वगैरह। मेरे पापा ने, उसकी अलमारी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बनी थी। तो मैं, और ये उनका बेटा जो कि ज्ञान से भी बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती हो ज्ञान से। तो ज्ञान तो फुल इन्जॉय कर रहा था उसके साथ। ज्ञान को बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका था और पहली बार ज्ञान ने किसी के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप करी होगी। मतलब उसे बहुत पसंद आ रहा था वो। फिर पापा हमें कहते कि जिस काम से आए हैं पहले वो काम तो कर ले, जल्दी करो जल्दी। और हम थे कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद हम अपना काम करके खाना खा के बैठे थे, तो हमने कहा चलो घूमने चलते। ये देखो, ये राजस्थान से, बुआ बताती कि राजस्थान से आए और ऐसे ये बस में आते और खाना बनाते हैं साथ में और खाते हैं। और इतनी तेज़ गर्मी में, ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। चलो कोई नहीं, घूमना इंजॉय तो होना चाहिए, क्यों। और ये पुल था जानकी पुल, यहाँ पे ऋषिकेश में जानकी पुल, लक्ष्मण झूला, राम झूला है। राम झूला और लक्ष्मण झूला का तो वहाँ पे काम चल रहा था। और यहाँ ये है जानकी पुल, बुआ बताती है। और बुआ मुझे बता रही थी कि यहाँ बहुत पहले मतलब राम भगवान जी, लक्ष्मण भगवान जी, सीता मैया, वो सब आके यहाँ पे रुके थे, तो उनके लिए ये पुल बनाए गए थे। और क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे राफ्टिंग वगैरह, बहुत बहुत चीज़ें। आप नेट में सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, बोटिंग वगैरह हर चीज़ है यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, ये मंकी देखो फुल इंजॉय कर रहा था वहाँ पे। और ये सामने मंदिर दिख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये पुल था, बीच में जाना था लोगों ने और किनारे से गाड़ियाँ चलने वाली, और हम पागल किनारे से निकल पड़े। तो रास्ते में इतनी गाड़ियाँ, हम हॉर्न बजती जाती। पहले तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन बाद में लगा कि अरे हम गलत आ चुके हैं। फिर उसके बाद हम इसी पुल से मतलब ये जो बने हैं ना यहाँ पे ग्रिल, उसी से अंदर घुस चुके थे और बीच में आ गए थे। और गाड़ियों के हॉर्न, हम ना गलत वाले में आ गए। उधर से भी स्कूटी जाती, इधर से भी, ये बीच वाला था लोगों का चलने का गलत, और गाड़ी आते जाते हम बीच से निकल के बीच में आ गए जहाँ पे सब चलते थे। और कियान तो यहाँ पे फुल एंजॉय ले रहा था गंगा जी को देखकर, जो कि कियान का मन कर रहा था कि ऊपर पुल पे चढ़ूं और गंगा जी पे कूद जाऊं, फुल एंजॉय करूं। कियान को तो पानी में इतना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे कभी भी मैंने देखा, मतलब यहाँ कभी भी भीड़, हमेशा भीड़ रहती है, कभी आपको देखेगा नहीं कि यहाँ पे खाली होगा। ये एक तो वो है धार्मिक ऋषि मुनियों का कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे, ऋषि मुनि की वो स्थान वगैरह कुछ कहते हैं। और ऊपर से फिर यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह हर चीज़ होती है, तो लोग इतना ज़्यादा आना पसंद करते। देखो आप देख सकते हो, जब से मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ, तब से आपको कभी भी आपने देखा खाली नहीं मिला कहीं भी। फल है जो मतलब सबरी ने राम को खिलाए थे, वो नहीं था अबीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, वो अलग आना हो गया। और उसके बाद हमें आइसक्रीम की रेडी दिख चुकी थी, हमने एक एक आइसक्रीम लिया। और इतनी गर्मी थी एक तो, और भीड़ इतना था, तो उससे ना उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमने आइसक्रीम इंजॉय करे, और आइसक्रीम भी ठंडी नहीं लग रही थी, बल्कि इस मौसम में ज़्यादा ठंडी। और मौसम देखो आप कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, फुल इंजॉय कर रहे थे हम, फुल इंजॉय। और इतना पैदल चल के आए थे ना, फिर भी थकान नहीं लग रही थी उस वक्त, तो बस चले जा रहे थे। वो पापा को थोड़ा देर हो रहा था, इसलिए पापा हमें कहते जल्दी करो। और हम कहाँ मानने वाले थे, हम भी ढीट के ढीट, और हम चलते जा रहे। हम लास्ट तक, एंड तक देख के आए। अभी तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ घूमने के लिए, मतलब मंदिर एक दो मुझे अंकल ने, बुआ जी के हस्बैंड ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई घूमने के लिए, लेकिन बाद में कभी और आऊँगी।
आज तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी काम से आए थे ना। अगर घूमने के पर्पज़ से ही आते तो शायद हम देख लेते, लेकिन हम किसी काम से आए थे, वो काम निपटा के फिर हम आए। ये देखो यहाँ से लोग कैनी लेके गंगा जल भरते हैं और अपने साथ ले, और पीछे जो अंकल बैठे हुए थे वो इतना अच्छा, जो भी बजा रहे थे गाना बहुत ज़्यादा अच्छा बजा रहे थे, और इतनी मेहनत कर रहे थे इतने धूप में बैठ के, वो मुझे उन पर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी। आप पता नहीं सबका काम होता है वो पता नहीं, लेकिन ये देखो यहाँ पे वाटर राफ्टिंग हर चीज़, और मालाएं मुझे इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मेरा लेने का बहुत ज़्यादा मन था, मैंने लिया नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम गई तो ज़रूर लूँगी। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हाथों से बनी है कई चीज़ें, मुझे ये सब दिख रहा था, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि हम ले सके, लेकिन अगली बार गई तो ज़रूर लूँगी। और ये मैंने टीका लगाया राम वाला, ये देखो ये पंडित जी मुझे टीका लगाए जा रहे थे, ये इसके अंदर आश्रम है कोई ना, तो हम अंदर भी देखने गए, और यहाँ पे था वाटर फाउंटेन। क्यान तो देख के खुश, एकदम खुश क्यान तो, और क्यान को तो क्या चाहिए इससे ज़्यादा। फिर हम अंदर जा रहे थे, ये देखो वाव, मतलब बहुत अच्छा अच्छा फीलिंग आ रहा था अंदर जाते। कहते हैं ना मंदिर ऐसे जगह जाना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है, कि आप में अच्छी बातें कुदरती आने लग जाती है। और मैं बुआ को पूछते जाती यहाँ क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, वो मुझे बताए जाती थी कि आश्रम है जो आप लोग रोज़ न्यूज़ में देखते हो लाइव आते हो, तो वो यहीं से ही होता है। यहाँ पे आरती रात को बहुत ज़्यादा, और ये देखो यहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति इतनी ज़्यादा अच्छी बनाई हुई थी, वीडियो में तो पता नहीं कैसी आ रही है, लेकिन सामने बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वाह बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर आके। कहते ना कि हम ऐसी जगह जाते हो तो हमें अच्छी बातें खुद ही आने लगती है, तो मैं कहती हूँ कि हर किसी को मंदिर वगैरह जाना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें हमारे अंदर बसती रहती है। वाह अच्छा लग रहा था, मतलब हर चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अभी लेट भी हो रहा था थोड़ा, पापा कहते जल्दी करो जल्दी करो, और हमें और देखने का मन था। उसके बाद हम वापस आ चुके थे, मैंने कहा चलो अभी वापसी में फिर देखते चलेंगे। यहाँ इसके बाद आता है लक्ष्मण झूला, फिर राम झूला आता है, कोई तो बोट से भी जाते हैं इसमें। अभी तो बरसातें थी, बोट बंद हो चुकी थी बिल्कुल, राफ्टिंग वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था, नहीं तो मैं आपको दिखाती, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये तो इसके ऊपर नीलकंठ मंदिर है कह रही थी बुआ जी ना, तो मुझे पता नहीं है क्या है, अगर कभी जाना हुआ तो ज़रूर जाऊँगी और आप सभी को दिखाऊँगी ये सब। और मैं अब अपने वीडियो को यहीं पर एंड करने वाली हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते रहेंगे आपसे अच्छी अच्छी वीडियो बना के। बाय बाय।